नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सीटेट नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया जाएगा, इसको लेकर आज शाम की बहुत बड़ी अपडेट आप सबके लिए आ रही है। दोस्तों, सीटेट की जो परीक्षा है वो साल में 2 बार आयोजित करवाई जाती थी, लेकिन दोस्तों पिछले 2 साल में सिर्फ 2 बार ही परीक्षा का आयोजन किया गया है, यानी कि 4 बार जहाँ परीक्षा होनी थी वहाँ 2 बार ही एग्जाम हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से दोस्तों सीटेट है वो काफ़ी बार पोस्टपोन हुआ, इसके बाद आगे डेट भी बढ़ी, इसी वजह से सीटेट की परीक्षा है दोस्तों वो आयोजित नहीं हो पाई। लेकिन अब सीटेट के नोटिफिकेशन और जुलाई 2022 में जो सीटेट होने वाला है उसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर भी आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट इस समय की निकल के आ रही है। जो भी छात्र दोस्तों सीटेट का नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लेना। परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, ऑफलाइन एग्ज़ाम कराने को लेकर भी आप सबके लिए अपडेट है, क्योंकि CBSE बोर्ड को भी पता चल गया है कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम कराई जाती है उसमें कितना खर्च होता है, कितना समय लगता है। रिजल्ट जारी करने में जहाँ 25 दिन का समय लगता था दोस्तों, वहाँ पर 2 महीने का समय लगा, क्योंकि सभी के यहाँ पर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन या फिर अंक बढ़ोतरी हुई थी, और ऑनलाइन में काफ़ी दोस्तों परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। सीटेट की दोस्तों नोटिफिकेशन को लेकर हिंदुस्तान टाइम्स और CBSE बोर्ड के सीनियर अधिकारी की तरफ से अपडेट आई कि 30 मार्च को सीटेट का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीटेट जुलाई में ही कंडक्ट कराया जाएगा और इसकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन कराई जाएगी। जैसे यहाँ पर सुझाव है वो CBSE बोर्ड को दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों सभी का जो पेपर है वो भी एक समान आता है और एक ही दिन में सभी की परीक्षा कंडक्ट हो जाती है, वरना दोस्तों CBSE बोर्ड को लगभग 1 महीने तक एग्ज़ाम करानी पड़ी थी, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। और इसी के साथ आपकी अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट दोस्तों जल्द ही फिक्स हो जाएगी, जुलाई के पहले सप्ताह में या फिर दोस्तों दूसरे सप्ताह में परीक्षा आयोजित करवा सकता है CBSE बोर्ड। एडमिट कार्ड जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के पहले सप्ताह में, यानी कि 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली वेबसाइट पर ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ आवेदन के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म, तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, अप्रैल में आपके ऑनलाइन फॉर्म अप्रैल के पहले सप्ताह से फॉर्म चालू हो जाएंगे, जो लगभग 1 महीने तक चलेंगे। तो दोस्तों आप आवेदन ज़रूर करें अगर आप सीटेट जो है जुलाई एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको सभी को पता ही होगा दोस्तों, आपके पास BSTC या फिर BEd जो है डिप्लोमा होना अनिवार्य रहता है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको पास करने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसीज आती हैं उसमें आप टीचर बन सकते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में, या फिर आप जो नवोदय स्कूल हैं वहाँ पर भी आप जो है इससे टीचर बनने की प्रोबेबिलिटी आपके लिए बढ़ जाती है। तो दोस्तों जल्द ही सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, 30 मार्च से पहले ही आ जाएगा। इसके बाद आपके फॉर्म भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, कब सर बन के स्टूडेंट के मन में डाउट था तो सभी डाउट के आपके दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। लगभग 34 लाख छात्रों ने सीटेट जुलाई में जो आपकी एग्जाम कराई गई थी दिसंबर 2021 में उसमें भाग लिया था, तकरीबन 34 लाख थे, लेकिन इस बार आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भी 30 लाख प्लस ही भरे जाएंगे, क्योंकि नए स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। हालांकि 6.65 लाख छात्र इसमें क्वालिफाइड भी हो गए, यानी कि 6,65,000 छात्रों ने सीटेट पास भी कर लिया है, जल्द ही उनके डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आगे भी अपडेट करूंगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आज की वीडियो इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।